छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वही ग्राम बिरेतरा में एक घर में चोरी करने वाले दो नाबालिग सहित तीन आरोपी को कुरुद पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के गहने और नकदी रकम बरामद हुई है। दरअसल 21 फरवरी की रात ग्राम बिरेतरा निवासी भेदलाल साहू के घर चोरों ने धावा बोल दिया था और आलमारी के अंदर रखे नकदी रकम सहित करीब 1,00,000 रुपए कीमत के सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया था। रिपोर्ट पर पुलिस मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदेही ग्राम डोमा निवासी गुलशन यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसने अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ चोरी करना स्वीकार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। दिनांक 21 तारीख को और 22 के बीच में रात्रि में एक चोरी हुई थी वेल्लर साहू जी के यहाँ पे। लगभग 1,00,000 का सामान चोरी हुआ था उसमें। उस पर से श्रीमान विशेष मदद के आदेश पे हम लोगों ने टीम बना करके इसमें लगातार की, जिसमें से हमारे साइबर टीम और अपने ग्रुप के हिसाब के मेहनत से वो सारी बरामदगी हो गई है। बरामदगी 100% है और उसमें हमने एक जो गुलशन यादव है मखाड़ा उसको पकड़ा है और दो नाबालिग व्यक्ति हैं